had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming close so we can do my place? Maybe we can try meeting up by 7. You'll be taking over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. Hello everyone, welcome back in this another vlog. My name is Madhav Soni, aka Mad Barrister. And today in this vlog, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक law student जो है अपने पूरे दिन में क्या क्या करता है. Currently, I am in 5th year at DNLU Jabalpur. So, आपको NLU culture के बारे में भी देखने को मिलेगा कि NLU की life कैसी होती है. So, let's begin this video. सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और हमारी 9 बजे से क्लासेस होती हैं. सो मेरे पास आधे घंटे का टाइम है मैं इसमें ब्रेकफास्ट करने का. बाकी भाई पूरी दिन भर की जितनी भी मील्स होती हैं ना मैं इसमें, उनमें से सबसे बेस्ट मील होती है भाई ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए, बट यूजली हो जाता है. आज तो मैं ब्लॉग के चक्कर में थोड़ा जल्दी उठ गया हूं. बाकी चलिए फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके बाद हम क्लासेस के लिए जाएंगे. ऐसा अभी मैं जा रहा हूं मैं इसमें ब्रेकफास्ट करने, और ये हमारे कॉरिडोर्स होते हैं. बाकी मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूं. सो नीचे चलते हैं. आज बारिश हो रही है, वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप का लग रहा होगा आपको. भाई साहब कितने जल्दी उठ जाओ, ब्रेकफास्ट में लेट हो ही जाते हो. पता नहीं क्या बना देखते चलो. भाई साहब ब्रेकफास्ट में जैसे कि मैंने बताया ढोकला भाजी एंड पाव, और ब्रेड जैम वगैरह भी रहता है, बटर ब्रेड भी रहता है, एंड देन उसके अलावा कॉफ़ी और चाय दोनों रहती है मॉर्निंग में. तो अगर आपको भी ऐसी लाइफ एंजॉय करनी है तो भाई साहब सबसे पहले तो आपको NLU में एडमिशन लेना पड़ेगा, एंड फॉर दैट आपको क्लेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा. सो यूजुअली दो तरीके से क्लेट की प्रिपरेशन की जा सकती है, एक तो ऑनलाइन मोड में और एक ऑफलाइन मोड में. तो ऑफलाइन इंडस्ट्री का तो आपको पता होगा भाई साहब कितनी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, 1.5 लाख रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं. सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपका थोड़ा सा भी बजट टाइट है तो आप ऑनलाइन कोचिंग्स के लिए जा सकते हैं. अब उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट अलग पांडे सर के आने के बाद एकदम कोचिंग इंडस्ट्री में भाई साहब रेवोल्यूशन आ गया. बहुत ही चीप प्राइजेस पे अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. सो अभी ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती आपको दो कोर्सेज देखने को मिलेंगे स्पेसिफिकली फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल. सो उसमें एक क्लैट रैंक बूस्टर बैच है एंड एक क्लैट रैंक राइजर बैच है. सो इन दोनों ही कोर्सेज में आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा. आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं BOOST500. सो ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए, 10th अक्टूबर को ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, एंड क्लैट भी काफ़ी नज़दीक आने वाला है, इस बार तो दिसंबर में हो जाएगा. सो आप रजिस्टर कर सकते हैं दोनों कोर्सेज में. सो दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं. बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, सो आप चेकआउट कर सकते हैं सारे कोर्सेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन. ये हमारा ग्राउंड, और जस्ट अभी क्लासेस से आया हुआ हूँ मैं. बाकी इवनिंग में लोग खेलते हैं, अभी तो लंच वंच कर रहे होंगे सारे लोग. ये हमारे हॉस्टल के अंदर भी कुछ वॉलीबॉल कोर्ट टाइप का है, एंड कभी कभी खेल लेते हैं यहाँ पीछे. बैडमिंटन कोर्ट भी है. सो काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं प्रोजेक्ट सबमिशन के चक्कर में आज. बाकी ये हमारी मैस है, अभी रेनोवेशन हुआ था इसमें, सो थोड़ी सी बेटर हो गई पहले से. आपने जो मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा ना, थोड़ी पुरानी मैस है. सो भाई साहब ऐसा कुछ हमारा लंच होता है, चपाती राइस एंड ये है राजमा, और ये एक टाइप की सब्ज़ी है. यूजुअली अगर राजमा नहीं होता तो दो टाइप की सब्ज़ी रहती है, एंड दाल होती है एंड छाछ, और सलाद तो रहती ही है. देखो जैसा मैंने सुबह भी बताया था कि ब्रेकफास्ट तो यार बहुत अच्छा होता है एंड लंच इज़ ओके ओके, बट डिनर जो है ना भाई यूजुअली बहुत बेकार सा ही होता है.
बट कभी कभी अच्छा भी बन जाता है। और मैं तो यार वेजिटेरियन हूँ, तो सिर्फ पनीर के अलावा स्पेशल में जो रहता है कोई ऑप्शन और होता नहीं है हमारे पास। जो लोग नॉन वेजिटेरियन रहते हैं उनको तो एक ऑप्शन मिल जाता है कि वीक में दो दिन उन्हें चिकन मिल जाता है, एक दिन अंडा करी मिल जाती है, ठीक है जैसा भी है। बाकी संडे के दिन हमें बिरयानी मिलती है। और इस बारे में मैंने एक फुल फ्लेज्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जो कि मेरे चैनल पर होगी, सो लाइफ एट DNLU वाली, उसमें आप सब कुछ जान सकते हैं DNLU होता है। भाई साहब लंच करके मैं आ गया हूँ रूम में और क्लासेस मेरी तो हो गई हैं ख़त्म, बट जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है उनकी लंच के बाद भी क्लासेस होती हैं। भाई साहब उनके लिए बड़ा टफ हो जाता है, बट वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी क्लासेस जो है लंच के बाद ख़त्म हो जाती है, इवन लंच के पहले ख़त्म हो जाती हैं, सो लंच के बाद नहीं जाना पड़ता है। बट जिनकी क्लासेस नहीं होती है लंच के बाद, यूजुअली वो ये करते हैं कि लंच करके आराम करते हैं रूम में, या फिर कुछ लोग जो पढ़ने वाले होते हैं वो बहुत लाइब्रेरी चले जाते हैं। मैं भाई साहब आराम करूँगा रूम में। मैं आपसे मिलता हूँ इवनिंग में अब, सो आपको जो भी स्पोर्ट्स वगैरह ग्राउंड वगैरह वो सब दिखा दूंगा एंड जिम में। अभी टाइम हो रहा है इवनिंग के 5:30 और इवनिंग में सफ़र मिलता है। बाकी आज तो बहुत ही घटिया सा है, भीड़ मिली हुई है, भीड़ नहीं यूजली अच्छी नहीं लगती लोगों को। समोसे कचौड़ी वगैरह भी होते हैं, डेली चेंज होता है सफ़र में भी। और स्नैक्स के अलावा चाय कॉफ़ी दोनों होती है, जिसको कॉफ़ी पीना हो कॉफ़ी पी सकते हैं, जिसको चाय पीना हो चाय पी सकता है। सो गाइज़ आफ्टर हैविंग रेस्ट फॉर सम टाइम हम लोग सफ़र करने जाते हैं इवनिंग में, इवनिंग स्नैक्स लेते हैं। देन उसके बाद जो हमारा टाइम बचता है ना, उसमें यूजली जो लोग जिम करते हैं वो जिम जा सकते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ का दोनों का अलग अलग टाइमिंग होती है। एंड देन जो लोग जिम नहीं जाते वो स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह जा सकते हैं गेम वेम खेलने के लिए। आज तो बारिश हो रही थी, इस वजह से स्पोर्ट्स वगैरह कोई खेल नहीं रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट यूजुअली लोग लाइब्रेरी भी जाते हैं, सो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं इवनिंग शिफ्ट में। एंड स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में आपको एक बात कही थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डिनर बेकार सा बनता है, बट फॉर्चुनेटली आज बहुत ज़्यादा अच्छा डिनर बना हुआ है। मैंने आपको ये बताया नहीं रीज़न क्या था, एक्चुअली आज जो है DNLU के फाउंडेशन डे है, सो इवेंट कुछ होने वाला था, बट जैसा कि मैंने बताया बारिश हो रही है सो वो सब कैंसिल हो गया। एंड उसी ओकेशन पे जो स्पेशल डिनर रखा हुआ था भाई, काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी खाने में और बहुत ही अच्छा डिनर था। सो काफ़ी अच्छा दिन था आज का, 4 मील हमें डिलीवर होती है पूरे दिन में। सो खाना ठीक ठाक है, ओके है, बट कभी कभी बेकार भी बन जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एंड ऐसा कुछ था आज का पूरा दिन, सो होपफुली आपको मज़ा आया होगा देख के। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही ब्लॉग में। बाय।